हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। कैसे हैं आप सब लोग? चलो कॉलेज सीरीज़ का थर्ड एपिसोड, और आज मैं बहुत इम्पॉर्टेंट बात करने वाला हूँ बच्चों। वो तीन चीज़ें जो रिजल्ट से पहले आपको डिसाइड करनी है, तैयार रखनी है, थ्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू बिफोर रिजल्ट। ये आज का जो वीडियो होगा बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आखिर तक अच्छे से देखना, ठीक है? शुरू करें आज का टॉपिक, गणपति बाप्पा मोरिया चला आता, शुरू करूँ यार। तो बच्चों यार देखो, आंसर की जनरेट हो गई, उसके बाद में हमारे मार्क्स में पता चल गए, परसेंटाइल कितना आएगा ये भी अंदाज़ा लगा दिया है। इतने सारे वीडियो देखे आपने यहाँ वहाँ। हाँ चलिए, मैं भी एक और बार, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ। ये बहुत अच्छा एनालिसिस है, बहुत अच्छा एनालिसिस, ठीक है? तो आप जो भी शिफ्ट में खुद को मानते हो, हाँ भाई साहब मैंने बताया था कौन सी शिफ्ट ईजी है, कौन सी शिफ्ट डिफिकल्ट है मेरे मार्क्स वर्सेज परसेंटाइल पर, बट बहुत सारे बच्चे अग्री नहीं कर रहे थे उससे। चलो ठीक है, आपको जो लगता है, अगर आपको लगता है आपकी शिफ्ट ज़्यादा लोग इजी में कह रहे हैं तो देख लीजिए, अगर आपका स्कोर 130 से 150 के बीच में आ रहा है तो आपको कितना परसेंटाइल मिलेगा, अगर आपका स्कोर 90 और 100 के बीच में आ रहा है तो आपका परसेंटाइल कितना होगा, अगर इजी है, मॉडरेट है, डिफिकल्ट है, और इस हिसाब से अपना परसेंटाइल कैलकुलेट कर लीजिए, अपना क्या परसेंटाइल है वो देख लीजिए, ठीक है? और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ आपको बच्चों, एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहता हूँ, कोई भी परसेंटाइल हो आपको आपका कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। यस बच्चों डोंट वरी, सबको कॉलेज मिलेगा, सबको अच्छी इंजीनियरिंग की ब्रांच मिलेगी, बस आपको लगे रहना है अच्छे से, है ना, अपना जो एनालिसिस है वो करते रहना है, ठीक है, कॉलेज को लेकर, ब्रांच को लेकर। चलिए तो ये सर आपको परसेंटाइल वगैरह पता है, सारी बातें ठीक है सर, ओके, कैलकुलेट कर लिया परसेंटाइल तो अंदाज़ा आने लग गया ना हमको, राइट, ये परसेंटाइल की वजह से कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या मिलेगा, करेक्ट, ओके बच्चों। तो नाउ अगर आपको लगता है कि सर थोड़ा बता दीजिए ना कैसे, क्या, ना कौन सा कॉलेज मिलेगा, आप चाहो तो मेरी काउंसलिंग भी ज्वाइन कर सकते हो गणितंक ऐप पे, मैंने ऑलरेडी बैचेस लॉन्च करी है, उसमें 3-4 ऑप्शंस भी दिए हैं आपको, है ना, फ्री वाला भी हम कर सकते हैं जो कर रहे हैं, डेल्टा 3.0 से फ्री भी है, प्रो प्रीमियम प्लस भी है, आप डिटेल वीडियो था उसके ऊपर देख लीजिएगा, कोई क्वेरी हो काउंसलिंग को लेकर तो आप इस पर, है ना, बात कर सकते हैं, ठीक है, यस ये नंबर्स है। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे, सर तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है? तो बच्चों सबसे पहली चीज है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर रेडी रहना है, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर आप ओपन कैटेगरी के हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या आपको डोमिसाइल की सच में जरूरत है? देखो हर कैंडिडेट को डोमिसाइल की जरूरत नहीं होती, है ना, अगर आपके पास LC या TC पे लिखा हुआ है इंडियन नेशनलिटी, बर्थ प्लेस लिखा हुआ है तो डोमिसाइल की कोई जरूरत ही नहीं है, राइट? तो आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं भी चाहिए, चाहिए वो सब पता होना चाहिए। अगर आपकी कैटेगरी है तो आपके पास कास्ट वैलिडिटी है क्या, नॉन क्रीमी लेयर है क्या, अगर आप OBC से बिलोंग कर रहे हो, SEBC वाले बच्चे, है ना, SEBC वाले जो मराठा को मिला है इस बार, उनके पास उनके डॉक्यूमेंट्स है क्या, नहीं बन रहे तो कैसे करेंगे, कहाँ से बनेंगे, ये सारा चीज़ लेकर क्लियर रहिए और अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिए, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना, ओके? अगर वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं भी है तो अप्लाई कर दीजिए, ओके बेटा? चलिए डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, है ना, अगर आप चाहते हो डिटेल वीडियो तो बताना पक्के से, ठीक है, कमेंट करना। तो सबसे फर्स्ट थिंग है डॉक्यूमेंट्स को लेकर रेडी रहना, सेकंड ब्रांचेस के बारे में पता करिए और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी रहिए, कौन सी ब्रांच आपको चाहिए, थोड़ा डिसीजन लेना शुरू करिए, यस डिस्कशन करिए, अपने आसपास कोई टीचर्स होंगे उनसे बात करिए, अपने कोई सीनियर्स होंगे उनसे बात करिए, लेकिन ब्रांच कौन सी लूंगा, अज्यूम करते हैं कि एक बच्चा है वो कहता है सर कंप्यूटर ही लूंगा, है ना, या फिर कहता है सर कंप्यूटर विथ AI कैसा ब्रांच है, पता करो, बहुत सारी चीज़ें हैं, YouTube पर भी है, मैं भी बताऊंगा आने वाले दिनों में, लेकिन इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना स्टार्ट करो, एक जगह से थोड़ी ना इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, बहुत बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बस आपको सुनना है, अलग अलग जगहों से समझना है। तो कंप्यूटर लू सर, AIDS लू सर, AIML लू सर, IT लू, है ना, ये सारे ब्रांचेस के बारे में पता करिए, और हाँ थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिए, अगर बाय चांस आपके परसेंटाइल पे आपको कंप्यूटर नहीं मिल रहा तो इसके बारे में पता करिए कि मैं ENTC लूंगा तो चलेगा क्या, मैं IT लूंगा तो चलेगा क्या, है ना, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स लूंगा तो चलेगा क्या, क्यों, क्योंकि अगर मुझे अच्छा कॉलेज मिल रहा हो तो शुड आई डू दिस और नॉट। तो थोड़ा 2-3 ब्रांचेस में अपना फ्लेक्सिबिलिटी रखिए, तो इन्फॉर्मेशन पता करिए, इकट्ठा करना चालू करिए, टाइम बहुत है आपके पास, यूटिलाइज करिए प्रॉपरली। मुझे पता है सर हम लोग तो ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, ये सीरीज वो भी करिए, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है ना। तो सेकेंड स्टेप है आपको ब्रांच की इन्फॉर्मेशन निकालना,
स्टार्ट फाइंडिंग अबाउट ब्रांचेस और थोड़ा फ्लेक्सिबल, अगर अच्छा कॉलेज मिलेगा तो मैं कंप्यूटर की जगह आईटी भी लूंगा तो चलेगा मुझे, या आईटी की जगह ENTC लूंगा तो चलेगा क्या, है ना, खुद को पूछिए, खुद को जानिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कैसा है पता करिए भाई, ओके यस। अगेन मैं कहूंगा अगर आप मुझसे सेशंस चाहते हैं इसके ऊपर तो कमेंट बताइएगा करके, ठीक है, जिसके बारे में आप चाहते हो मैं उन्हीं के ऊपर अपने वीडियोस रखूंगा नेक्स्ट। तो सेकंड है अपने ब्रांच को लेकर बात करना। थर्ड, अपनी कॉलेज की लिस्ट बनाना स्टार्ट करिए, पता तो कर लीजिए कॉलेजेस को लेकर। तो इसके लिए मुझे पहले ना रीजन डिसाइड करना होगा कि कौन से रीजन में मुझे चाहिए है, मतलब क्या मैं पुणे में आना चाहता हूँ, क्या मैं नासिक के कॉलेजेस में जाना चाहता हूँ, क्या मैं मुंबई के कॉलेजेस में जाना चाहता हूँ, क्या मैं औरंगाबाद के कॉलेजेस में जाना चाहता हूँ, क्या मैं अमरावती के कॉलेजेस में जाना चाहता हूँ, ना जो भी है, जो भी 6 रीजन्स है ना, वो सारे 6 रीजन्स को देखिए और मुझे कहाँ कॉलेज मिल रहा है अपने पर्सनल पे अच्छा वो पता करिए और एक लिस्ट बनाने की कोशिश करिए। कम से कम हमारे लिस्ट में 20-25 कॉलेजेस और विथ ब्रांचेस 50 कॉलेजेस का लिस्ट होना चाहिए ना, 50 ऑप्शंस का लिस्ट आप बना लीजिए, खुद से बनाइए। देखो काउंसलिंग कराओगे किसी से वो बनाएगा ठीक है, लेकिन खुद की इंफॉर्मेशन जो निकाली हुई होती है ना वो ज़्यादा सोच समझ के रिसर्च होती है। तो आप अपने 50 ऑप्शंस की एक लिस्ट बना लीजिए, है ना, अलग अलग तरीके से कि मैं मुंबई में अगर जा रहा हूँ तो मैं इन 4 कॉलेज में मेरा परसेंटाइल फिट बैठता है, राइट। तो वो परसेंटाइल को देख कर कौन से कॉलेज मिल रहे, अच्छा सर हमें पता ही नहीं है कि कौन से परसेंटाइल पर क्या मिलता है, अच्छा आपको चाहिए है, चलिए मैं आपसे शीट शेयर कर दूंगा जो CET सेल से फ्री में मिलती है हमको। मैं आपको बता दूं कि CET सेल से ना हमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो फ्री में मिलता है, पता है ना आपको, हर जगह अपलोडेड होता है वो। यस मेरे पास भी है वो काउंसलिंग डेटा में। यस ये देखो कट ऑफ होता है जो CET सेल ऐसे पब्लिश करता है, ठीक है बच्चों। तो ये जो CET सेल का इन्फॉर्मेशन है कि गवर्नमेंट ऑफ कॉलेज अमरावती वगैरह वगैरह इस तरह के कट ऑफ दिया होता है, मैं ये PDF जो है आप सबके साथ शेयर कर देता हूँ अपने टेलीग्राम पर, आप जाकर चेक कर लेना। बट ये बहुत रीड करने में डिफिकल्ट होता है, तो हम क्या करते हैं, हम लोग इसी शीट को इस फॉर्म में लाते हैं कि भाई आप थोड़ा अच्छे से रीड कर पाओ। हमने पूरा डेटा, ये जो है ना, ये जो है, ये देखिए आप कुछ हजार पेजेस की फाइल होगी ये, तो इसको पूरा हमने एक एक्सेल के फॉर्म में ला लिया और इस डेटा के थ्रू आप सारा बता सकते हो कि यार मुझे पुणे में OBC कैंडिडेट हूँ तो क्या मिल सकता है, राइट। फिर उसके बाद पुणे में ओपन कैंडिडेट क्या मिल सकता है, ऐसे सारे रीजन के, सिर्फ पुणे नहीं, SC कैंडिडेट कैटेगरी वाइज भी किया हुआ है, JEE मेंस मुंबई का भी किया है, ऐसे सिर्फ पुणे और मुंबई का ही नहीं किया है, हमने सारे कॉलेजेस का किया है। आप देखोगे तो नागपुर के कॉलेजेस का भी है, यहाँ पे सारे नागपुर के कॉलेजेस कौन से कट ऑफ पे कौन मिल रहा है, कितने पे क्या मिल रहा है, तो मेरे परसेंटेज अगर 70 है तो उसमें मुझे क्या क्या मिल सकता है सब पता चल जाता है इस शीट में। फिर इसके अलावा नागपुर को छोड़ो, सर मुझे नासिक के बारे में पता करना है, नासिक के भी सारे हैं, कैटेगरी वाइज भी है बेटा, ये ओपन के लिए है, है ना, ये ओपन के लिए, यस जी ओपन लिखा हुआ है यहाँ पे, वैसे OBC के लिए भी है ना, अलग अलग यहाँ पे OBC के लिए है ये, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग कैटेगरी के लिए हमने रखा हुआ है ना, TFWS के लिए, राइट, तो ये अलग अलग कैटेगरी के लिए हमने यहाँ पे रखा हुआ है। नासिक के सर औरंगाबाद के कॉलेजेस देखने, तो औरंगाबाद के कॉलेजेस के बारे में भी हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रखी है, देखिए औरंगाबाद के कॉलेजेस को लेकर सभी अमरावती के भी कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन हमने रखी है। तो सारे रीजन्स के हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अच्छे से इस, ये ऐसा CET सेल देता है जो फ्री में हमारे पास अवेलेबल होता है, बट यहाँ पे थोड़ा रीड करना डिफिकल्ट होता है बच्चों को, तो हमने एक्सेल फॉर्म में लिया है। और हाँ, इसको इंटरैक्टिव भी बनाया है, आपको पता है ना हम इंटरैक्टिव एक्सेल शीट, मतलब जहाँ आप अपने पर्सनल पुट करते हो और अपने आप लिस्ट मिलना चालू हो जाती है। तो ये सारी हम हमारे काउंसलिंग बैचेस में देते हैं। फ्री में दोगे क्या सर, यार बहुत एफर्ट लिया है हमने, बहुत मेहनत किया है हमने। अगर आप प्रो में भी आते हो तो आपको डेटा मिलेगा, कोई भी प्रो प्रीमियम प्लस, तो आपको ये डेटा मिलेगा। डेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कौन सी ब्रांच कौन से कॉलेज में कहाँ मुझे मिल सकता है ये पूरा क्विकली बता देता है, ठीक है बच्चों। तो आपको ये 3 स्टेप्स बना के रखनी है, तो यहाँ से आप अपने 50 ऑप्शंस निकाल सकते हो यहाँ से, वो वाली शीट तो आपको मिलना मुश्किल है, लेकिन हाँ आई विल गिव जो कैब से मिला हुआ है हमको, ठीक है, वो शीट मैं आपसे टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। तो क्या आप लोग समझ गए कि 3 चीज़ें कौन सी हमें करके रखनी है, पहले डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे सर इस पर डिटेल वीडियो अगला आ जाएगा, ठीक है, अगला वीडियो इसी पर बताता हूँ मैं। फिर उसके बाद में आपको ब्रांच सिलेक्शन करना है, इस पर भी आगे वीडियोज बताते रहूंगा। और तीसरा कॉलेज लिस्ट, बच्चों मैं कॉलेज लिस्ट आपसे फ्री में भी बनवा के लूंगा, यस, इस चलो कॉलेज सीरीज में कोई मैं सारी चीज़ें आपसे करवाऊंगा, जेन्यूनली अच्छे से करेंगे हम, यस। बट स्टिल अगले वीडियोस कौन कौन से आप देख लीजिए, जैसे मैंने बताया आपको डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट, फिर गवर्नमेंट कॉलेजेस इसका कट ऑफ क्या होता है, इनमें कितने मार्क्स पे कौन सा कॉलेज मिल रहा है, क्या प्लेसमेंट्स होते हैं, सब बातें करेंगे। रीजन वाइज कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे आने वाले वीडियोज़ में, और फिर ब्रांचेस की इन्फॉर्मेशन भी। तो ये मेरे आगे के वीडियोज़ होने वाले हैं, मज़ा आएगा ना इस चलो कॉलेज सीरीज में, बहुत मज़ा आने वाला है। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके बच्चों। और इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि सर सच में आप बहुत जेन्यून काम कर रहे हो, सर अगर पिछले साल वाले बच्चों से किसी का इंटरेक्शन हुआ होगा तो वो भी बता सकता है कि हाँ सर, सर ने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया था, हम बहुत सारे सेशंस भी लेते हैं सीनियर्स के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे सेशंस में,
राइट, डेल्टा 3.0। गणितंग ऐप पर जाएंगे आप, तीन ऑप्शन है, प्रो, प्रीमियम, प्लस। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे, मैंने बहुत कुछ बताया हुआ, एक डिटेल वीडियो भी लिया है पूरे इस पे, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, यस, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। ओके, चलो तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अच्छा कॉलेज पाना है, करके दिखाना है। थैंक यू एंड टेक केयर।